हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्माइल विद टेस्ट पे, जहाँ पे अगेन आपके साथ शेयर करेंगे एयर फेयर स्पेशल। बहुत इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं आपके लिए, ब्रेड पकौड़ा बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही कम घी तेल के साथ, जो घर में बड़े बच्चे तो ही पसंद करने वाले हैं। इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, या चाहे तो आप इसे इवनिंग स्नैक्स में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। बनाने बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे हमने उबले हुए आलू लिए हैं, करीब 5 आलू यहाँ पे हमने लिए हैं, जिन्हें हमने पहले से उबाल के ठंडा कर लिया था और उनका छिलका हमने उतार लिया है। बस इन्हें हम हाथ से या मैशर से ही अच्छे से मैश कर लेंगे। ब्रेड पकौड़े की स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। यहाँ पर हमने आलू से ब्रेड पकौड़े बनाए हैं, आप चाहें तो मिक्स वेज या पनीर के ब्रेड पकौड़े भी बना के तैयार कर सकते हैं, या आलू के साथ भी आप डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमने आलू लिए हैं, जिन्हें हमने हाथ से ही अच्छे से मैश कर लिया है। एक प्याज ऐड करी है थोड़ा छोटा रफली चॉप करके, और एक हरी मिर्च यहाँ पे हमने ऐड करी है बारीक चॉप करके। थोड़ा सा पनीर ले रहे हैं हाथ से क्रम्बल करके, और बस नमक डाला है आधी चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हींग डाली है 1/4 चम्मच, जीरा पाउडर 1/4 चम्मच करीब डाला है। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच करीब डाला है यहाँ पे हमने चाट मसाला। चुटकी भर हल्दी डाली है, साथ में डाल रहे हैं लाल मिर्च। लाल मिर्च भी हमने बहुत कम डाली है, केवल 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच भर के करीब यहाँ पे हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर। गरम मसाला 1/4 चम्मच करीब यहाँ पे हमने ऐड करा है। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और बस सारे मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और बस यहाँ पे हम लेंगे ब्रेड, यहाँ पे हमने वाइट ब्रेड का यूज़ करा है, आप चाहे तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड या आटा ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ब्रेड पकोड़े बांधने से पहले एयर फ्रायर को रख देते हैं प्री हीटिंग पर, तो उसके लिए यहाँ पे हमने एयर फ्रायर को ऑन करा है और इसे हम रख रहे हैं 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर। और बस यहाँ पे हम ब्रेड के साइड्स को कट कर लेंगे, सभी स्लाइसिस की साइड्स को इसी तरह से हमने कट करके अलग कर देना है। इसे फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इसके आप ब्रेड क्रम्स बना के आगे यूज़ के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक प्लेट में पानी लिया है, ब्रेड को बहुत ज़्यादा गीला नहीं करेंगे इसलिए ज़्यादा बड़े बर्तन में पानी नहीं लिया है, और बस इसे हमने अच्छे से निचोड़ देना है। जो भी एक्सेस वाटर इसके अंदर है, सारा ही पानी हम बिल्कुल अच्छे से निचोड़ देंगे, और उसके बाद इस पर रखेंगे स्टफिंग और इसे हमने अच्छे से बांध लेना है। फिर अपनी मनचाही शेप में बना के तैयार कर सकते हैं। हमने कुछ इस तरह से इन्हें बांध के तैयार करा है, सारे ही ब्रेड स्लाइसेस के ब्रेड पकोड़ों को इसी तरह से हमने बांध के तैयार कर लेना है। एयर फ्रायर में ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, जो लोग ऑयल फ्री खाना खाना पसंद करते हैं वो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और हॉस्टल में रहने वाले बच्चे भी इस रेसिपी को बहुत ईजिली ट्राई कर सकते हैं। जो डीप फ्राइंग नहीं कर सकते, वो इस तरह से बहुत ईजी तरीके से एयर फ्रायर में अपने ब्रेड पकोड़े बना सकते हैं। एयर फ्रायर प्री हीट हो गया था, यहाँ पे हमने एक बटर पेपर लगाया है, बटर पेपर को भी हमने पहले ग्रीस करा है, और सारे ही ब्रेड पकौड़ों को इसके अंदर हमने सेट कर देना है। एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, ओवरलैपिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है। एक लेयर में जितनी हमारी ये ब्रेड रोल आ जाए उतने ही हमने इन्हें रखना है, ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं करनी। वैसे इस रेसिपी को आप बिना बटर पेपर लगाए भी बना सकते हैं, बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो आप डायरेक्ट बास्केट में इन्हें रख लीजिए, तब भी आपकी बहुत ईजी तरीके से ब्रेड पकौड़े बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे हमने हमारी सारी स्टफ ब्रेड के रोल्स को रख दिया है, और ऊपर से भी हमने इन्हें ज़रूर ग्रीस करना है, तभी एक अच्छा टेक्सचर और एक अच्छा टेस्ट इनमें आएगा। यहाँ पे घी से या तेल से आप जिससे भी चाहें इन्हें ऊपर से इस तरह से ग्रीस कर दीजिएगा, और इन्हें ग्रीस करने के बाद हमने रखना है 200 डिग्री सेल्सियस पे पूरे 15 मिनट के लिए हम इन्हें रख देंगे। यहाँ पे सभी को ग्रीस करने के बाद हमने 200 डिग्री सेल्सियस पे पूरे 15 मिनट के लिए रख दिया है, और इस 15 मिनट में बीच में करीब 7 या 8 मिनट पर हमने इन्हें फ्लिप करना है, इन्हें पलटना है, जिससे कि दोनों तरफ से बहुत अच्छे तरीके से हमारे कुरकुरे हो जाएं। तो हमने सभी पकौड़ों को पलट दिया है, और बस इन्हें रख देंगे बचे हुए टाइम के लिए एयर फ्रायर यूज़ करते हुए। जब हमने इन्हें पलटना होता है तो बंद नहीं करना होता, बस ऐसे ही इन्हें निकाल के हम इन्हें फ्लिप कर देते हैं, तो जो टाइम रहता है वो चेंज नहीं होता, वही बचा हुआ टाइम वहीं से कंटिन्यू हो जाता है। और पूरे 15 मिनट बाद आप देखेंगे बहुत ही अच्छे कुरकुरे पकौड़े आपके बनकर आपको मिलेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। कम घी तेल के साथ बहुत ही अमेजिंग रेसिपी आप बना सकते हैं इस तरह से एयर फ्रायर में।
तो फ्रेंड्स हमने हमारे सारे ही ब्रेड पकौड़े बना के तैयार कर लिए हैं। बाहर से क्रिस्पी लेयर, अंदर से स्टफ्ड आलू। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी हमारी बनके तैयार हुई है। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, हमारे साथ शेयर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।